back to round the kitchen. आज हम बनाएंगे सूखे नारियल और लहसुन की चटनी. इसके लिए हमें चाहिए सूखा नारियल या खोबरा, लहसुन पाउडर. अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो लहसुन को ड्राई रोस्ट कीजिए और उसका पाउडर बनाइए. आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक. सबसे पहले हम मिक्सर में खोबरा या सूखा नारियल को पीसेंगे. इसके बाद हम लहसुन पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर. इसे अब हम बिना पानी के पीसेंगे. ये सूखी चटनी होगी और अब ये रेडी है. इसे इडली या डोसा के साथ सर्व कीजिए.